एक चोर किसी पागल के हाथ से ब्रीफकेस छीनकर भाग गया तो पागल कब्रिस्तान जा बैठा। लोगों ने इससे पूछा, चोर तेरा ब्रीफकेस ले गया और तो यहाँ बैठा है। पागल ने जवाब दिया, वो यहाँ किसी ना किसी रोज तो आएगा। Assalamualaikum, this is Mavish. कैसे हैं आप सब? Hopefully you all are doing well. ऑनलाइन लर्निंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि हम लोग ओवरनाइट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे, ओवरनाइट हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम लोग उन्होंने कोई चैनल स्टार्ट किया है तो उस पर आपकी पहली वीडियो ही वायरल हो जाएगी और आप लोग विद इन अ वीक रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको सेटअप लगाने में पहले थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद उस सेटअप को स्टार्ट करके उसको अच्छी तरह से रन करने में, एक ख़ास मुकाम तक पहुंचने में, सक्सेसफुल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तब कहीं जाकर आप लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेम इसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में भी कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ साथ आप लोगों को टाइम भी लगाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों को आज आपने कोई काम स्टार्ट किया या आप लोगों ने अपना पहला आर्टिकल लेट्स पोस्ट लिखा तो आप लोगों का वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आप लोगों ने पहली वीडियो अपलोड की तो आपकी वायरल हो जाएगी और आप लोग अर्निंग जनरेट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म अर्निंग जनरेट करनी है, आप लोगों को सारी ज़िंदगी बैठ कर खाना है, तो उसके लिए आप लोगों को पहले स्टार्ट में अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी होती है कि आप लोगों ने किस डायरेक्शन में काम करना है, किस नीच पे काम करना है, कौन सी कैटेगरी और कौन सी फील्ड में आप लोगों ने काम करना है। अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हैं तो आप डेफिनेटली यूट्यूब या सोशल मीडिया के इस तरह से प्लेटफॉर्म्स पर आएंगे। अगर आप लोग आर्टिकल राइटिंग करते हैं या आप लोग कुछ ऐसा डेटा एंट्री वर्क या कोई और स्किल आपके पास है तो फिर आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं जहां पर आप लोग अपनी इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आप लोग किस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास क्या स्किल है, आपको क्या काम करने में मज़ा आता है, क्या आपको अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज मेहनत और कंसिस्टेंसी बाद में आती है, पहले आती है राइट डायरेक्शन। अगर आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा, आप अपने काम को इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो किसी ना किसी जगह पर जाकर आप लोग गिव अप कर देते हैं। आप लोगों का पेशेंस जवाब दे जाता है, आप कहते हैं कि बस अब मुझसे मजीद नहीं हो सकता। डेफिनेटली जब इस किस्म का एटीट्यूड आपका होगा कि जब आप अपना पेशेंस लूज कर जाएंगे तो फिर आप लोग अनसक्सेसफुल होंगे उस काम में और फिर आप लोग ये कहेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग तो है ही फेक। आज जो काम मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इंतहाई ईजी है, लेकिन इसमें आप लोगों को ओवरनाइट कुछ नहीं मिलने वाला, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली इस पर 10 से 15 मिनट डेली के देते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग हज़ारों डॉलर्स में यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेहनत लाजमी करनी है। और सेकेंडली, आप लोगों को जब कोई मेथड बताया जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हार्डली 10 से 15 मिनट की, 12 मिनट की, 14 मिनट की वीडियो होती है, तो अगर आप लोग इसको थोड़ा डीपली देख लें तो इसमें आप लोगों का ही फायदा है। कोशिश होती है कि आप लोगों को वीडियो में पेमेंट मेथड भी बहुत डीपली समझा दूं। अभी मेरी एक रिसेंटली वीडियो गई है जिस पर मुझे बार बार एक कमेंट आता है कि जी आपने इसमें पेमेंट मेथड नहीं बताया। तो जनाब, वीडियो के एंड में पेमेंट मेथड मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है, विड्रॉ कैसे लेना है वो भी मैंने सिखाया है। लेकिन फिर बात वही आती है कि वीडियो आधी अधूरी देखते हैं और साथ ही आप लोग कमेंट कर देते हैं कि जी ऐसा आपका फ़लां चीज़ मिस हो गई है, फ़लां चीज़ मिस हो गई है। हाँ, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो मैं लाजमी उसका रिप्लाई आप लोगों को दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जल्दी से इस मेथड को सीख लेते हैं कि आप लोगों ने कैसे यहाँ पर वर्क करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, इसके अलावा वीडियो को दो चार लोगों से शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो सके। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर आ जाना है और यहाँ आप लोगों ने सर्च करना है नाराकीत। आप लोगों को सबसे स्टार्ट पे ही ये वेबसाइट शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेम यही काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं, बस आपने काम को ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये वाली स्क्रीन शो होगी ऑथेंटिकेटिंग। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए टेक्स्ट टू ऑडियो। अब सबसे पहले आपके सामने लैंग्वेज आती है, इंग्लिश टू ब्रिटिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज पे आ जाते हैं। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज अवेलेबल है, बिल्कुल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बॉटम में उर्दू लैंग्वेज है,
इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ऑप्शन वॉइस की। अब यहाँ पर काफ़ी सारे करेक्टर्स हैं जिनकी आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें फ़ीमेल वॉइस भी है, मेल वॉइस भी है, आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है जनाब स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप लोगों ने वापस आना है गूगल पर और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सर्च कर लेना है उर्दू जोक्स कर लीजिए, उर्दू स्टोरीज़ कर लीजिए, उर्दू कोट्स हो सकती हैं, अहादीस हो सकती हैं, कोई छोटे छोटे जो है ना वाक्यात हो सकते हैं जो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, आप लोगों ने वीडियो को डीपली वॉच करना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके ऑलरेडी कि आप लोगों ने यहाँ से अपने लिए क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज हम उर्दू पॉइंट की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ये अंडर वन रूफ आप लोगों को यहाँ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज में मिलेगा। सेकेंडली इसमें स्टोरीज़ हैं, बच्चों की कहानियाँ हैं, आप लोगों को यहाँ पर जोक्स मिलेंगे, पहेलियाँ मिलेंगी। तो मेरे सामने ये चोर और पागल का एक लतीफ़ा है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरीके से इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी वजह से कॉपी नहीं हो पाता तो आप लोगों ने यहाँ से देख कर अपने पास कॉपी पर लिख लेना है या इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। उसके बाद आपने वापस आना है अपनी वेबसाइट पर और ये जो स्क्रिप्ट वाला ब्लॉक है इसमें आप लोगों ने इसको टाइप कर देना है। ठीक है, अगर आपने कॉपी किया है तो सिंपली लाकर यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ से मैंने एक कहानी खोल ली है, अब इस कहानी को सिलेक्ट करके कॉपी करती हूँ और वापस आते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट नारकीत पे और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करती हूँ। जैसे ही पेस्ट करके मैंने इसको क्रिएट ऑडियो पे क्लिक किया तो इतना लॉन्ग टेक्स्ट आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इनका पेड वर्जन लेना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को $6 इनको पे करने होंगे। अब हम अपनी ऑडियो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। वॉइस के आगे आपको जो प्लस का बटन नज़र आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। नीचे आगे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपने फाइल का फॉर्मेट MP3 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करना है। किसी पागल के हाथ से ब्रीफ केस छीन कर भाग गया। अब आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है तो हमारी ये ऑडियो फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है Adobe। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है Adobe Express। यहाँ इन दोनों ऑप्शंस में से आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐप सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो आपने वेब को सिलेक्ट करना है, मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एनिमेट फ्रॉम ऑडियो, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जी, आपको काफ़ी सारे करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। कैटेगरी में ऑल पे मैंने सेलेक्ट किया है तो मुझे सारे करेक्टर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर सैड, हैप्पी और डिफरेंट किस्म के जो करेक्टर्स हैं एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको नज़र आएंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मुझे एक फ़नी सा करेक्टर चाहिए क्योंकि मैंने एक जोक की वीडियो बनानी है। अगर आप किसी कोट की बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बैकग्राउंड। यहाँ से आप लोगों ने अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ऑप्शन साइज़ की। अब यहाँ आप लोग रीसाइज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। उनमें आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यूट्यूब वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से 16:9 का जो साइज़ है वो सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें आपकी सबसे ज़्यादा अर्निंग है। अगर आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वो साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने अपने करेक्टर को उसकी ऑडियो देनी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर अगेन दो ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद की वॉइस में यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लोग जो पहला मैंने आप लोगों को मेथड बताया है कि आप लोगों ने कैसे टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करना है और वहाँ से ऑडियो फाइल बनानी है, आप उस मेथड को स्किप भी कर सकते हैं, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने मेथड को कैरी ऑन करते हुए ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब आप लोगों ने अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फ़ोन से वो ऑडियो फाइल सेलेक्ट करनी है जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी। ठीक है, उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है एनिमेट फ्रॉम ऑडियो। अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। ठीक है, तो ये थोड़े से टाइम के बाद आप लोगों की यहाँ पर जो वीडियो है क्रिएट हो जाएगी, ये एनिमेशन आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी हमारी एनिमेशन डाउनलोड होती है तो मीनवाइल मैं आप लोगों को एक कंपेरिजन करके दिखाती हूँ कि आप लोगों ने उर्दू लैंग्वेज में अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको क्या नुकसान है और अगर आप यही
अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रखते हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदा है। ठीक है, अभी आपको मैं एक चैनल दिखा रही हूँ जिसका नाम है नर्चुरल एनिमेशंस, और आप इनकी अर्निंग देख लीजिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पर मंथ। उसी की तरह का ये हमारा पाकिस्तानी चैनल है जिसका नाम है शर्म की स्केच बुक, और यहाँ पर देखिए जी, इनके भी मिलियंस में व्यूज़ हैं बिल्कुल पहले चैनल की तरह, लेकिन अगर हम इनकी अर्निंग देखें तो वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि फर्स्ट चैनल की ऑडियंस जो है वर्ल्ड वाइड है, जबकि सेकेंड चैनल की ऑडियंस लिमिटेड है। अब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी फर्स्ट चैनल की तरह मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सेम यही मेथड फॉलो करना है, लेकिन जहाँ आपने एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक लगानी है, बस इसको आप लोगों ने ध्यान से समझ लेना है। आप वापस आते हैं अपनी फर्स्ट वेबसाइट नारकीत पे, और यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश टू ब्रिटिश को ही रहने देना है। करेक्टर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद वापस आप आते हैं अपनी उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पर, आपने अपना लतीफ़ा यहाँ से किया कॉपी। आप लोगों ने गूगल पर फिर से आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने ओपन करना है गूगल ट्रांसलेट। यहाँ गूगल ट्रांसलेट में आप लोगों ने इस साइट पर उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, और सेकंड पे आप लोगों ने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों ने अपना जोक जो उर्दू में था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप लोगों का ये जोक ट्रांसलेट हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आप इस इंग्लिश स्क्रिप्ट को उठाएंगे यहाँ से, और अपने स्क्रिप्ट वाले बॉक्स में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब जब यहाँ से अगेन आप लोगों ने MP3 फाइल फॉर्मेट जो है वो सेट करना, और क्रिएट ऑडियो के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जरा सुन लीजिए जी, हमारी ये ऑडियो कैसी आई। A thief snatched a briefcase from the hands of a madman and ran away. The madman went to the graveyard and sat down. People asked him, "The thief took your briefcase and you were..." अब इस क्लिप को मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए। अपना कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये मेथड यूज़ करना है। उसके बाद बाकी का सारा प्रोसीजर एज इट इज़ फॉलो करना है जो हम लोगों ने उर्दू के लिए फॉलो किया है, और आप लोगों ने अपनी एनिमेटेड वीडियोज़ यहाँ से जनरेट कर देनी है, और फिर आप लोगों ने अपना एक YouTube चैनल क्रिएट कर उस पर अपनी ये वीडियोस अपलोड करते जाना है। ठीक है, प्रूफ मैंने आप लोगों को अर्निंग का ऑलरेडी दिखा दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने खुद की एनिमेशन बनाई थी वो कैसी। एक चोर किसी पागल के हाथ से ब्रीफकेस छीनकर भाग गया तो पागल कब्रिस्तान। अब देखिए कितने क्यूट से एनिमेशन हमारे यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपने इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करनी है तो आपने ओपन इन एडिटर पे क्लिक करना है, और इसमें आप लोगों ने जो भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। अब फाइल आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। अब अगर आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को किसी और एडिटर में ओपन करके उसके बाद इसके ऊपर सब टाइटल्स लगा सकते हैं। लाइक जितना भी आप लोगों ने स्क्रिप्ट उर्दू में बोला जा रहा है, ठीक है, वो सब टाइटल्स की फॉर्म में आपकी वीडियो के ऊपर शो हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप लोग इसको कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद आए, जैसे आप लोगों को इजी लगे, उस तरीके से आप लोगों ने इसकी एडिटिंग मज़ीद कर लेनी है और अपने चैनल पर आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। इस किस्म के चैनल्स की आजकल रीच बहुत ज़्यादा है और इसमें अर्निंग पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। तो होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ये अर्निंग मेथड पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखते हुए आप लोग बहुत ही फनी और क्यूट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।